कैसे हैं आप सभी। मैं सागर यादव एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एब्डोमिनल को या अपने एब्स को प्रॉपर ईयरली तक मेंटेन कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि यार जब हमने एब्स बनाए थे उसके 2 या 3 महीने के बाद वो डिसअपियर हो गए थे, हम उनको मेंटेन नहीं रख पा रहे। तो देखो, सबसे पहली जो इस टॉपिक पे जो डिस्कशन होगा वो तो आपकी डाइट पे होगा। वो तो 100% कंपलसरी कि अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन रखोगे तो आपकी बॉडी पे एक्सेस फैट जमा नहीं होगा और आपके एब्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सेकंड बात ये आती है कि कौन सा वो वर्कआउट करे कम टाइम में, क्योंकि बहुत से लोग गेनिंग के टाइम में एब्स लगाने छोड़ देते हैं, आई डोंट नो क्यों। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो चाहते हैं कि कम से कम वर्कआउट में हम अपने एब्स को मेंटेन रख पाएँ, ऐसे कौन से वर्कआउट है कि जस्ट सिंपल 1 या 2 सेट लगाए और आपके एब्स जो है कम्प्लीटली ईयर तक मेंटेन है। तो उसी एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जैसा कि आपको पता होगा, अपर, मिडिल और लोअर 3 तरीके से हमने एब्स डिवाइड होते हैं। तो हम एक्सरसाइज में जो पहली लगाने जा रहे हैं लाइंग लेग रेज, इसमें आपके तीनों मसल्स अपर, मिडिल और लोअर तीनों ट्रेन होते हैं। पोजिशनिंग का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 सेकंड का होल्ड, आप ऊपर जाओ जब ब्रीद आउट करना है और नीचे आओ तो ब्रीद इन करना है, और यहाँ पे 2 सेकंड का होल्ड। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। आपने 20 से 25 रेपिटेशन लगाने हैं एक बार में और 4 से 5 सेट लगाने हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 100 से 120 तक आप इसको मैक्सिमम लगा सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, सेम इसी के साथ बैक टू बैक लगानी है आपने हाफ क्रंचेज, बस। और यहाँ पे जब आप पूरा अप आते हो आपने अपने एब्स को फील करना है, पकड़ के चलना है मसल को। अब आपने अपने अपर एब्स को वापस से ट्रेन कर लिया, आधे से ज़्यादा ट्रेन किया था आपने लेग रेज में एंड वापस से अलग किया है हाफ क्रंचेज में। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो हमारे कम्प्लीटली एब्डोमिनल एरिया को शेप देती है, प्लैंक। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी थी जिनको आप परफॉर्म करके अपने एब्स को मेंटेन रख सकते हो कम्प्लीटली ईयर तक। बस हाँ, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, प्रोटीन की जो कंजम्पशन है वो कम नहीं होनी चाहिए और कार्ब्स की कंजम्पशन बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। इन एक्सरसाइज को आप अपने एक्सरसाइज जैसे ही आपने कोई सेट लगाया उसके बाद जब आप एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं तो इनको परफॉर्म करें। इन 3 एक्सरसाइज में आपका कम्प्लीटली एब्डोमिनल का पोर्शन तैयार हो जाएगा और आप ईयरली तक आप अपने एब्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, लव यू ऑल।